हमारे भारत के राजा महाराजा के समय में ऐसे बहुत से मंत्री, पंडित, राजनीतिज्ञ, विदूषक, कलाकार थे जिन्हें उनके कार्य के लिए आज भी इतिहास नमन करता है। जैसे विदुर, जो पूरे विश्व में अपने राजनीतिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। तानसेन, जो अपने संगीत के लिए सम्राट अकबर के अति प्रिय थे। उसी प्रकार आज का हमारा विषय तेनालीरामा की मृत्यु पर आधारित है, जो 16वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध चरित्र थे। पर उससे पहले तेनालीरामा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तेनालीरामा, या जिन्हें लोग तेनाली रामकृष्ण के नाम से भी जानते हैं, का जन्म 1514 गुंतर जिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रामलिंग था। तेनालीरामा कर्नाटक के इतिहास में एक संक्षिप्त चरित्र नहीं है, परंतु वे एक भारतीय कवि, विचारक और विजयनगर सम्राट के अष्ट दिग्गज में से एक हैं। रामकृष्ण ने विभिन्न भाषाओं में महारत हासिल की है, जिनमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल, हिंदी और मराठी शामिल थे। वो राजा कृष्णदेवराय की आंखों में वैसे ही दर्जा रखते थे जैसे कि बिरबल सम्राट अकबर की आंखों में थे। यहाँ तक कि उनके द्वारा रचित पांडुरंगम महात्म्यम काव्य तेलुगु साहित्य के 5 महान काव्य में से एक के रूप में गिना जाता है। तो आते हैं हमारे विषय पर। महाराजा कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक विजयनगर राज्य में शासन किया था, परंतु 1530 में राजा के मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण सभा में नहीं बढ़े और अपने मूल स्थान तेनाली लौट गए। कुछ वर्षों बाद एक सर्प दंश से उनकी मृत्यु हो गई। अभिलेखों में ये भी कहा गया है कि रामकृष्ण कई बार राजा कृष्णदेवराय की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो गंभीर परिस्थितियों में उनके बचाव में आते हैं और वे उनके सबसे अच्छे मित्र थे। परंतु कुछ किताबों में ये बताया गया है कि राजा के मृत्यु से पहले ही रामकृष्ण की मृत्यु हो गई थी, कारण सर्पदंश ही है। कहानी ये है कि एक दिन जब तेनालीरामा को सांप ने दस दिया था तो वे जान गए थे उनकी मृत्यु निकट है और अपने अंतिम क्षण में वे महाराज से भेंट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने महाराज के पास संदेशा भेजा, परंतु महाराज इसे मजाक समझकर ठुकरा दिया। दूत तेनालीराम के पास लौट आया और उन्हें महाराज से हुई बातचीत की सूचना दी। दूत की बात सुनकर तेनालीरामा ने कहा कि जब कोई झूठ कहने वाला व्यक्ति सच बोलता है तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, और मुझे ये पता है कि जब मेरी मृत्यु की सूचना महाराज को मिलेगी तब वे बहुत दुखी हो जाएंगे। कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के समय उनके होठों पर मुस्कान थी। जब राजा कृष्णदेवराय को ये बात पता चला तब वे रामा के घर पहुंचे, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि तेनालीरामा अब इस दुनिया से विदाई ले चुके हैं। हालांकि विभिन्न तथ्य का सुझाव दिया गया है, लेकिन ये सत्य है कि तेनालीरामा की मृत्यु सर्पदंश से ही हुई थी। लेकिन इस तरह की मृत्यु उनके लिए उचित नहीं थी, पर वो अभी भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से सभी के दिलों में और इतिहास के पन्नों में अमर रहेंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।